गाइज आप देख सकते हैं AWM बनाने के लिए मैंने चार वाइट A4 साइज शीट ली है और एक पिंक A4 साइज शीट और एक ब्लैक और एक ग्रीन। तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइट A4 साइज शीट से। तो मैं एक ही ले लेता हूँ अभी के लिए। तो पहले तो आपको इसे कुछ ऐसे फोल्ड करना है ट्रायंगुलर फॉर्म में और फिर आपको क्या कर देना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको काट देना है। पर यहाँ पे मैंने गाइस एक एक्स्ट्रा पेपर ले लिया है, मैं एक उसको निकाल देता हूँ। तो आप ये एक्स्ट्रा पार्ट को काट दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने काट दिया है इसे, पर आपको गाइस इसको फेंकना नहीं है, आपको साइड में ही रखना है इसको। इसका भी यहाँ पे यूज है। आप इसे अनफोल्ड कर दीजिए और वर्टिकली पकड़ के हाफ में फोल्ड कर दीजिए। हाफ में फोल्ड करने के बाद वापस आपको इसे हाफ में कुछ ऐसे फोल्ड कर लेना है। और वापस आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है। और आपको इसे कुछ ऐसे फोल्ड करते जाना है। गाइस फोल्ड करते जाइए। कुछ ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको इसे धीरे से हाफ में फोल्ड कर लेना है। कुछ ऐसे गाइस। एजेस को शार्प करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से कुछ ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे। दोनों को आप सेम ही रखिएगा, डिफरेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इवन ही बनाना है इनको। गाइस देख सकते हैं आपको कुछ ऐसे कर लेना है। और गाइस ये हमारी गन की बॉडी बनाने में बहुत काम आने वाला है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है कुछ ऐसे। और अच्छे से गाइस एकदम फोल्ड कीजिएगा।
तो गाइस हमारे गन का एक पार्ट तो बन चुका है, हमें इसको साइड में रख लेंगे और अब इस वाले को हम हाफ में फोल्ड करके काट देंगे। तो ये हमने इसे हाफ में फोल्ड किया। और पीछे आप इसे काट दीजिए। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस दोनों को हाफ में फोल्ड करके काट दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है। इन दोनों को आप एक ही साथ ले लीजिएगा और फिर इसे कुछ ऐसे वर्टिकली हाफ में फोल्ड कीजिएगा। फिर खोल लीजिए, फिर वापसी से इसको हाफ में फोल्ड कीजिए और फिर से खोलिए और वापसी से इसे हाफ में फिर से फोल्ड कीजिए। तो अब दोनों पेपर को हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद आप फिर फोल्ड करते ही जाइए। कुछ ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है और इसको भी आप फोल्ड ही कर दीजिए। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, आपको अपने एजेस को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप अपने एजेस को देखिए शार्प रखेंगे तभी ये हो सके मुड़ सकता है। तो इस पेपर स्ट्रिप को लीजिए, एक को साइड में रख देते हैं, हम एक को ही लेते हैं और इसको आप कुछ ऐसे तरीके से पकड़िए। फिर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे रख के इस पर फोल्ड कर देना है और फोल्ड करते जाइए और फिर रुक जाइए। सब करने के बाद आपको ये वाला पेपर का पीस लेना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिप लिया, उसको लपेट दिया, फिर जो आगे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था मैंने फिर उसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल दिया। तो गाइस मैंने गलती से इसको भी स्ट्रिप बना दिया था, आपको इसको स्ट्रिप नहीं बनाना है। इसको मैंने सीधा कर लिया और अभी भी आपको इसको नहीं फेंकना है, मैं इसको एक साइड रख देता हूँ। फिर अब आपको अपना पिंक पेपर लेना है, जो आपका पिंक वाला पेपर था, और इसको अब आप हाफ में फोल्ड कर दीजिए। तो गाइस आपको इसे हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद करना क्या है, आपको ये पेपर का पीस लेना है, फिर आपको उसका कॉर्नर को लेके यहाँ पे मिडिल में जो बना हुआ है उस तक आपको फोल्ड कर देना है।
और गाइस ये करने के बाद आपको ये वाला नीचे का एक्स्ट्रा पोर्शन लेना है, फिर आपको ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। इस पार्ट से आपको फिर से फोल्ड कर देना है। फिर आपको इसे स्ट्रेच करके फिर से हमारी मिडिल वाली लाइन तक फोल्ड कर देना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे होने के बाद आपको इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। देखिए ऐसे फोल्ड कीजिएगा, के बाद इसे भी नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए। देखिए कुछ ऐसे। फिर आपको क्या करना है, आपको इसे यहाँ से फोल्ड कर देना है, फिर ऐसे, फिर से ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ऊपर बच रहा है, हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने ये बना लिया है। और आपको फिर अब आपको ग्रीन वाला A4 साइज शीट लेना है और उसको वर्टिकली हाफ में फोल्ड कर देना है। फिर इसे अनफोल्ड कीजिए, फिर उसका एक पार्ट का फिर से हाफ में फोल्ड कीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपना ब्लैक पेपर लिया और उसको रोल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसके आगे एक मजल लगाएंगे जो हमारा वाइट कलर का होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ये थिन स्ट्रिप काट के रख लिया है। अब हम थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे इस पे। और ग्लू अप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली इसके फ्रंट पोर्शन पे आपको
इस स्ट्रिप को चिपका लेना है। और गाइस आपको खाली एक ही स्ट्रिप नहीं लेना है, बहुत सारे स्ट्रिप इसके ऊपर डालने हैं ताकि ये थोड़ा सा मोटा लगे। अब हम इसको चिपका देंगे। देख सकते हैं एक स्ट्रिप तो चिपक चुका है, अब हम दूसरा वाला स्ट्रिप भी ऐसे ही डालेंगे। तो गाइस अब हम दूसरा स्ट्रिप भी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो गाइस देख सकते हैं आपको कुछ ऐसे एक आगे स्ट्रिप लगा लेना है वाइट कलर का, फिर आपको ये जो हमने बॉडी बनाया था उसके अंदर आपको इसे फिट कर देना है कुछ ऐसे।